हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस, 50 से लेकर 87 तक डिस्कस कर लिया था। अभी उससे आगे डिस्कस करते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन है, अभी थ्योरी का क्वेश्चन है फिर से, जिससे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से सवाल आ गए, है ना, पर ऐसा होता नहीं है। आसान सवाल है ये भी, इसमें आपको होमी के बाबा चलो क्वेश्चन है, लेकिन लेकिन अगर आपको नहीं भी पता कि उन्होंने किस बारे में लिखा था या क्या लिखा था, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो नेशन अराइजेज फ्रॉम सिमिलैरिटीज अमंग पीपल। यार, हमारे ही नेशन को देख लो आप, सिमिलैरिटीज अमंग पीपल से कहाँ डाइवर्सिटी है। हम सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्सिटी को, राइट, और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ में भी होता है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है गलत, अभी हम कह नहीं सकते कि ये सही है कि गलत, पर चलो ये लग रहा है कि गलत होगा। नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन इज़ डिफाइंड बाय एम्बीवेलेंस। नाउ हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी। अब अगर आपको एम्बीवेलेंस नहीं भी पता है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी क्या होता है, अगर आपको नॉर्मली भी पता है कि एम्बीवेलेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ आएगा। एम्बीवेलेंस क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़, ठीक है, एम्बीवेलेंट है कोई चीज़, कुछ कन्फर्म्ड नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ है। ये हो सकता है, नेशनल रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड बाय एम्बीवेलेंस, दैट्स क्वाइट ट्रू, हो सकता है, सही लग रहा है ये। नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन एंगेजेस विद टू कॉन्ट्राडिक्टरी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वैसे तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, पर मुझे टू थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। नेशनलिस्ट डिस्कोर्सेज आर स्प्लिट बाय अ डिसरप्टिव डबल नैरेटिव मूवमेंट। काफ़ी डेप्थ में है, बाद में देखते हैं। नेशन इज़ अ स्टेबल एंड फिक्स्ड कैटेगरी। यार, ये तो हो ही नहीं सकता, नेशन स्टेबल एंड फिक्स्ड कैसे हो सकता है? इव हर चीज़ इवॉल्व होती है टाइम के साथ, नेशन तो इतनी बड़ी चीज़ है जो इतनी एम्बिवेलेंट है, तो वो स्टेबल कैसे हो सकती है, फिक्स्ड कैसे हो सकती है? ई तो 100% गलत है, ई तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। बी मुझे सही लग रहा है, लेकिन बी वन में भी है, थ्री में भी है, अच्छा ठीक है। सी भी इसमें है, इसमें भी है। अब मुझे ए और डी में से करना है। अब ए और डी में से ये गलत लग रहा है, फ्रॉम सिमिलैरिटीज अमंग पीपल, काफ़ी लग रहा है पता कि ये गलत है, और इसमें है तो ये भी कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा बी सी डी ओनली। अब जो डी है ना, नेशनलिस्ट डिस्कोर्सेज आर स्प्लिट बाय अ डिसरप्टिव डबल नैरेटिव मूवमेंट, इसका सेंटेंस का अगर मैं पेपर में बैठी होती तो मुझे मतलब नहीं पता होता, ठीक है, पर क्योंकि मैंने ए कर दिया कि गलत होगा, तो इस पे डिराइव कर सकती हूँ मैं आंसर। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सिंपल कॉमन सेंस से करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब हो सकता है ये। ये अगर आपको नहीं आता है, मतलब आपने तैयारी ढंग से नहीं की है, इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे नहीं हैं, क्योंकि पोर्टमैंटाउ पहले भी पूछा जा चुका है, सॉरी इफ़ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग इट, ये सवाल आ चुका है पहले भी, मैं बताती हूँ आपको कब आया था ये, आई हैव रिटन इट डाउन, हाँ दिस वाज इन 2013 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पोर्टमैंटाउ आपको आना चाहिए था। होता क्या ये, इट इज़ अ वर्ड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लेंडिंग टू और मोर वर्ड्स और पार्ट ऑफ वर्ड्स, दिस वन। और अगर आपको मान लो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं भी किए थे, और अगर आपने थ्रू द लुकिंग ग्लास पढ़ा हुआ है लुईस कैरल का, अगर लुईस कैरल अपने कभी भी डिटेल में कॉलेज में आईएमए में पढ़े हैं, तो उनके साथ ये पोर्टमैंटाउ काफ़ी एसोसिएट किया जाता है। इनफैक्ट मुझे ये वर्ड वहीं से आता था, क्योंकि हमें थ्रू द लुकिंग ग्लास सिलेबस में था, और इस वजह से मुझे पोर्टमैंटाउ पता था पहले भी, और अब तो खैर पेपर में आया, तो दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, आपको आना चाहिए था। ये क्वेश्चन थोड़ा है कि पता नहीं आपको आ भी सकता था नहीं भी। फॉर मी, आई न्यू कि मिस क्रॉफर्ड इज़ नॉट अ कैरेक्टर इन पर्सुएशन, शी इज़ अ क्वाइट फेमस कैरेक्टर फ्रॉम मैंसफील्ड पार्क, ठीक है, तो तभी मैं कहती रहती हूँ कि जो आता है वो ढंग से आना चाहिए। अगर आपको ये याद है ना कि मिस क्रॉफर्ड जो है वो पर्सुएशन की नहीं, मैंसफील्ड पार्क की हैं, आप सीधे आंसर पर डिराइव कर जाएंगे, क्योंकि ये बाकी थोड़े से, चलो वेंटवर्थ तो आप पढ़ते भी हैं पर्सुएशन में, पर हो सकता है आप इनमें कन्फ्यूज होते हैं, इलियट हैं कि नहीं है, ठीक है, तो रसल भी पढ़ते हैं, पर फिर भी क्रॉफर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैंसफील्ड पार्क की, ठीक है, तो ये आप
एलिमिनेट कर सकते थे. और नॉट अ कैरेक्टर ही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पर्सुएशन. तो इट्स मिस क्रॉफर्ड हु इज नॉट द कैरेक्टर. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर आईडी क्या है इसकी, 449. द आंसर इज 3, मिस क्रॉफर्ड. आई एम सॉरी फॉर द डिले यार, गुम हो गया था, अब नहीं होगा. ये बहुत आसान सवाल है और ये आपको आना चाहिए था, क्योंकि देखो यार हैंडमेड सेल पे तो भी पीछे ही क्वेश्चन आया था. क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने थे आपको मार्गरेट एटवुड के वर्ड्स. कब आया था ये, 2022 में आया हुआ है. 2022 में आया है कोई क्वेश्चन, आप 2023 का पेपर दोगे तो इतना तो आपको आना ही चाहिए. तो आपको ये तो पता होना चाहिए था कि हैंडमेड स्टेल में कौन है. ठीक है, चलो वो भी अगर आपको नहीं पता, ये तो बड़ा फेमस वर्क है, ये बहुत प्रिस्क्राइब्ड भी रहता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में. तो बहुत ओकोंकवो हैं थिंग्स फॉल अपार्ट के. और बी का 3 हो गया, तो ये 2 ऑप्शन में से एक होगा. ठीक है, ऑफरेड ये हैंडमेड स्टील के, पर चलो इनको नहीं, बाद में देखते हैं इनको. विंस्टन स्मिथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है 1984 के, ये भी आपको आना चाहिए था. अच्छा, डी का 4, इन दोनों में डी का 4 ही है, कोई बात नहीं. अब आ जाओ ए, सेठ, ये भी आना चाहिए था, बिलवेड. और क्या बचा, सेठ बिलवेड. ए का टू, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4. ठीक है, सिंपल था. और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आपको एक आना चाहिए था या दो, इसमें तो सारे आने चाहिए थे पेपर में. हो तो सॉल्व ये एक दो से भी जाना था क्वेश्चन, लेकिन ये आने सारे चाहिए थे. सिंपल क्वेश्चंस हैं, सारे सिंपल कैरेक्टर्स हैं. ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं पूछ लिया है जो कोई माइनर कैरेक्टर होगा, या ये कोई ऐसे नॉवल्स नहीं है जो पढ़ता नहीं है कोई, सब पढ़ते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल्स हैं चारों के चारों. ठीक है, और पूछे तो जा चुके हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट भी पहले क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी, इट्स नॉट इवन लाइक कि हाँ पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये टफ क्वेश्चन है, और ये अगर आपको नहीं आता तो आपको नहीं आता, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछी हुई है. ठीक है, क्रोनोलॉजी में फिर आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको नहीं आता है. दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी. इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, पर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता था पेपर में तो कोई बात नहीं. दिस आंसर इज 4th, 524 का 4th. ठीक है, ये था, देख लेना, अगली बार के लिए तैयार कर लेना रिचर्ड हॉगर्ट को ढंग से. ठीक है, अगेन थ्योरी का क्वेश्चन है. थ्योरी क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं, होते नहीं हैं. ओके, एंटोनियो ग्रामसी का डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन क्या है. ठीक है, एवरी सोशल ग्रुप ज्वाइनिंग द वर्ल्ड ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स ओरिजिनल ऑर्गेनिकली अ स्ट्रेटा ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. अच्छा, देखते हैं, मतलब पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल्स गिव होमोजेनिटी एंड अवेयरनेस ऑफ अ सोशल ग्रुप्स फंक्शन इन ऑल द फील्ड्स. हो सकता है, पता नहीं, देखते हैं. इंटेलेक्चुअल्स डू नॉट वर्क फॉर कंसोलिडेटिंग द पावर ऑफ अ सोशल ग्रुप. ऐसा तो नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल्स डू नॉट वर्क फॉर कंसोलिडेटिंग द पावर ऑफ अ सोशल ग्रुप. इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं. आप कितने भी, आप हिस्ट्री में देखो, जितने भी लोगों के पास एजुकेशन का साधन रहा है, जिन भी लोगों को एजुकेशन मिली है पहले, वो हमेशा एक पावर के पेडेस्टल पे रहे हैं, हमेशा. ठीक है, आप कितने भी देख लो, इंडियन हिस्ट्री में देख लो, फॉरेन की हिस्ट्री में देख लो, है ना, ऐसा है कि नहीं है. फीमेल्स वर नॉट अलाउड पहले एजुकेशन, तो फीमेल्स वर रिलेटिवली वीकर, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी, तो दे कुड नॉट टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, है ना. एक एक तरीका ये है इसको देखने के लिए. कास्ट सिस्टम में भी एजुकेशन पर्टिकुलर लोगों को दी जाती थी, है ना, उस सब में आप सोच सकते हो. ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि एंटोनियो ग्रामसी ने ऐसा सोचा कि नहीं, पर ये सोच सकते हो, ये गलत नहीं लग रहा है स्टेटमेंट. आई मीन गलत लग रहा है, क्योंकि दे वर्क, ऐसा नहीं है कि डू नॉट वर्क, दे वर्क फॉर कंसोलिडेटिंग द पावर ऑफ अ सोशल ग्रुप. दैट कैन बी सेड, हो सकता है, ठीक सा लग रहा है. अच्छा, फिर क्या है, हाँ मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा, द कैटेगरी ऑफ एक्लिजियास्टिक्स इज ऑर्गेनिकली बाउंड टू द बुर्जुआ. मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं. द मोनोपली हेल्ड बाई द एक्लिजियास्टिकल्स इन द सुपर स्ट्रक्चरल डोमेन वॉज नॉट एक्सरसाइज विदाउट अ कॉन्टेस्टेशन.
पहले तो थी यार, अब पता नहीं इसमें होगा कि नहीं होगा। चलो देखो, इस क्वेश्चन में मुझे और कुछ नहीं आता, मुझे बस ये स्टेटमेंट गलत लग रही है, वो लग रही है कि ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास, ए बी एंड ई। आई विल गो विद दिस विच इज़ ऑल्सो द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। सिर्फ मुझे मतलब बाकी मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या लिखा है, लेकिन अगली बार मैं पेपर में जाऊँगी तो मैं पढ़ के जाऊँगी इस सब के बारे में। ठीक है, ओके। रेमन विलियम्स के व्यूज़ ऑन कल्चर, नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री लेयर्स ऑफ अ कल्चर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन अ सोसाइटी, डोमिनेंट, रेजिडुअल, इमर्जेंट। वैसे तो ये स्टेटमेंट देखने से भी सही लग रही है, पर ये आपको आना भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये आता होता है तो ये तो चलो ठीक है, ये तो गलत नहीं होगा। कल्चर इज ऑर्डिनरी, मतलब हाँ नहीं भी पता नहीं, क्या अब क्या पता इन्होंने क्या बोला होगा, पर ये गलत भी नहीं लग रही है स्टेटमेंट। कल्चर इज़ अ होल वे ऑफ लाइफ, हाँ बिल्कुल भाई, होल वे ऑफ लाइफ होती है कल्चर, इनकम्पसेस एवरी थिंग। हम क्या मतलब हमारा आउटसाइड जो भी है वो कल्चर ही तो है, जो भी हम करते हैं। द मासेस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, अरे मासेस से ही तो कल्चर बनेगा, जो मैक्सिमम लोग करेंगे वही आपका कल्चर है। ये तो गलत है स्टेटमेंट, सामने सामने दिख रही है। इसका आंसर क्या होगा? थ्री होगा, चाहे मुझे नहीं पता कि रेमन विलियम्स ने क्या बोला था। ठीक है, तो आंसर क्या है? थ्री। रेमन विलियम्स पर आपको पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, जैसे ये वाला पोर्शन आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, इंटरेस्टिंग, ये प्योर गैस वर्क का क्वेश्चन है। अब देखो, आपको प्रिजन नोटबुक्स के बारे में वैसे तो पता होना चाहिए आइडियली, मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि एंटोनियो ग्रामसी एक तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जा चुके हैं, और अच्छा यार उससे पहले एक चीज़ और बतानी है मुझे आपको, इस पे आते हैं एक मिनट। जो आपका ये है ना रेमन विलियम्स पे क्वेश्चन, 2021 दिसंबर अटेम्प्ट में पूछा गया है, 2000 उसमें तो कल्चर एंड सोसाइटी पे क्वेश्चन था, इनका वर्क है। ठीक है, 2020 में ये ऑप्शंस में अपियर हुए थे, 2019 में सेप्टेम्बर में, नहीं दिसंबर में क्वेश्चन है रेमन विलियम्स पे, तो इसीलिए आपको रेमन विलियम्स आने चाहिए। तो अभी क्वेश्चन आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी अगर आप रेमन विलियम्स पढ़ते भी तो मुझे नहीं लगता इस सवाल को करने के लिए आपको कोई खास बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, ये आपका कॉमन सेंस से हो सकता है। ठीक है, ठीक है, प्रिजन नोटबुक्स, एंटोनियो ग्रामसी। अब मैं वही बता रही थी आपको कि एंटोनियो ग्रामसी जो हैं, एक तो इन पर सवाल आ चुका है, प्लस एंटोनियो ग्रामसी जो हैं, अगर आप इनको देखेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, आपको पता चलेगा प्रिजन नोटबुक्स इनका एक बहुत फेमस वर्क है। एक होता है ना हर राइटर का एक बड़ा फेमस वर्क होता है, ये उनका वो वाला वर्क है, तो इसके बारे में तो आपको आइडिया होना चाहिए था। पर चलो नहीं भी है हमें आइडिया, मुझे खुद नहीं था, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खुद नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी कि इनको भी इस पर प्रिजन नोटबुक्स पर तैयार करना है। नाम पता था पर कभी अंदर डेप्थ में नहीं गई, तो कोई बात नहीं, गए नहीं गए, देखते हैं पेपर में। सब कुछ आप पढ़ भी नहीं सकते हो, ठीक है, आपको जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए, ये मैं बहुत बार बोलती हूँ। अच्छा, अगर मेरा दिमाग कैसे चलेगा पेपर में, कि पेन ऑफ अ प्रिजनर ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स, ये तो बड़ा ऑब्वियस सा लग रहा है इसको देख के, मतलब एग्जामिनर मुझे इतना ऑब्वियस सा आंसर क्यों देंगे, है ना, तो सामने सामने पता चल रहा है। रिकॉलेक्शन ऑफ लव, रोमांस एंड ब्लिसफुल लाइफ, हो सकता है। फिलोसफी, कल्चर, लिटरेचर एंड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये भी हो सकता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्लैक्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम, ये भी हो सकता है। अब इसमें ना प्रॉपर वो है, मैंने तो तुक्का मारना था और इनमें से कुछ भी मैं टिक कर देती, मोस्ट प्रॉबली इसमें से या इसमें से कुछ टिक करती, जब मैंने खुद सॉल्व किया मैंने ये टिक किया, आंसर ये है, थ्री है। ठीक है, तो आपको ये पेपर में मतलब तुक्का ही मारना पड़ना था इसमें। आई होप मैंने ऐसा तो नहीं बोला था कि ये आना चाहिए था या कुछ, ये नहीं आना चाहिए था, अनलेस आपको प्रिजन नोटबुक्स के बारे में आइडिया है, जो ऑनेस्टली होना चाहिए था, मेरी भी गलती रही कि मैंने भी नहीं पढ़ा था। चलो, नॉट कंपोज बाय पी बी शैली, ये तो आपको पता होना चाहिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये भी पता होना चाहिए। हो सकता है आपको ये ना पता हो, मुझे पता था म्यूटेबिलिटी के बारे में, पर ये इतना कॉमनली रेड वर्क नहीं है, तो कोई बात नहीं अगर नहीं भी पता हो।
फिर भी ना वेन वी टू पार्टेड जो है ये बायरन का है, और ये मुझे आइडिया नहीं था कि ये बायरन का वर्क है, मैंने कभी भी नहीं सुना हुआ है पहले। इसका आंसर बायरन है, सॉरी वेन वी टू पार्टेड है, ठीक है। तो ये है, इसमें 50-50% चांस था आप इसमें से या इसमें से टिक करते, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक अ 50-50 क्वेश्चन। आ जाओ फिर से थ्योरी क्वेश्चन पे। इस बार ना डेट्स इंपॉर्टेंट हो गई, और अब मुझे लगता है अगली बार से ना डेट्स पे ये फोकस करेंगे, फिर आप कुछ भी करके डेट्स को स्किप नहीं कर पाओगे। मैं खुद स्किप करती हूँ और बोलती हूँ कि आप कर सकते हो, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दिस ट्रेंड ये चेंज हो रहा है, अब आपको डेट्स करनी ही पड़ेंगी। अगली बार ऐसी आएंगी कि आप उनको स्किप ही नहीं कर पाओगे। इस बार तो ऐसा है कि आपको नहीं भी आता था तब भी चल जाएगा, पर अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी ना, अब अगली बार यू हैव टू नो। जैसे पहले क्रोनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी सिंपल सिंपल सी, अब डेट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं, तो फिर धीरे धीरे उस चीज़ का वो लेवल बढ़ाते हैं, राइट। ओके चलो देखते हैं इसमें क्या है। पहली चीज़ जो इसमें मुझे गलत लग रही है ना, अरे इट पुट्स टू यूज़ बाथ्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ द ऑथर। यार डेथ ऑफ द ऑथर का कॉन्सेप्ट ही अलग है, आप ऑथर का डेथ कर रहे हो, इन द सेंस आप ये नहीं ध्यान दे रहे हो कि ऑथर ने क्या मीन किया होगा, आप अपने मीनिंग्स डिराइव कर रहे हो। वो चीज़ एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क में कैसे अप्लाई हो रही है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इस बारे में, कैसे हो सकती है, ठीक है। तो मुझे ये गलत लग रहा है, गैस वर्क है ये, प्योर गैस वर्क, ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ होता यार, तो ये तो नहीं होंगे दो, ठीक है। फिर है आपके पास, अच्छा बी सी सही है, मतलब दोनों में बी सी है। यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कर्सिव फॉर्मुलेशन एज आर्ग्यूड बाई फूको। अच्छा ही हैज़ टेकन अप डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इमेजिनेटिव ज्योग्राफी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिएंट। ये तो हो सकता है, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। नाउ ऑप्शन है ए और डी में से, इट इज़ वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। हाँ हो सकता है ना, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का ही तो राइटर हैं एडवर्ड सेड, तो डी तो होगा। सो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी सी डी। चेक करते हैं आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 502, बी सी डी ही है, ठीक है। अब देखो इसमें मेरा बिना डेट के काम चल गया, राइट, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं चलेगा, फ्यूचर में टफ कर देंगे, फिर डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा मतलब आपको हो सकता है कि आप द स्काईलार्क को शेली से कन्फ्यूज़ कर दें, है ना, पर वो टू द स्काईलार्क है, ठीक है, तो इसलिए जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए। ये नाम मैंने कभी नहीं सुने हैं, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट एनी ऑफ दीज वर्क्स, और चार पोएम्स हैं, ये तो सुना ही होना था मैंने अगर उन्होंने लिखा होता या इन्होंने लिखा होता, तो आई कैन टेक अ गैस एट जॉन क्लेयर, पर फिर भी ये ऑप्शन मतलब ये गैस वर्क तो है, पर ये करना बहुत मुश्किल है पेपर इन्वायरमेंट में, ऐसा दिमाग चलना बड़ा मुश्किल है, तो दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन आई वुड से, पर अगली बार के लिए आप तैयार रखें इसको। और अब आ जाओ, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, अर्थर मिलर मैंने पढ़े हुए हैं, मुझे कॉलेज में भी थे, प्लस मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ इनका एक प्ले, उसके बावजूद भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। हो सकता है मैं दो मिनट को ये भी सोचूं कि द प्राइस एंटिसिपेट्स इकोनॉमिक क्रैश, ये शायद बड़ा ऑब्वियस सा है, तो शायद ये गलत होगा, ये दिमाग लगा सकती हूँ तब भी ये एलिमिनेट होगा, लेकिन इसका जो आंसर है ना वो आई थिंक क्या है, थ्री है, ए एंड बी, 499 का, हाँ थ्री है, तो मैं नहीं पहुंच सकती इस पे, तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगी कि ये भी गलत है, ये दोनों मुश्किल है, ठीक है, बहुत डेप्थ में हैं ये दोनों ही चीज़ें, इतना नहीं पढ़ते हैं अर्थर मिलर के बारे में, पर अब आगे को पता लगे ना कि डिटेल्ड क्वेश्चन आ गया, अर्थर मिलर अगले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा, इन द सेंस अब आप खुद सोचो ना, आप इतना डिटेल में तो जा भी नहीं सकते, जैसे ये सवाल आया हुआ है, एडगर एलन पो ने, जिन्हें ओरिजिनेटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, वो उसको डिफाइन कैसे करते थे, शॉर्ट स्टोरी को कैसे डिफाइन करते थे, और वो उनको क्या बुलाते थे, द प्रोज टेल, ठीक है। आपने अगर एडगर एलन पो का कोई भी वर्क पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि उनके शॉर्ट स्टोरीज़ का कितना लेंथ रहती है, ठीक है।
हमें था द पुलोइंड लेटर, तो मुझे तो वहाँ से अंदाज़ा था कि एडगर एलन पो के शॉर्ट स्टोरीज़ कितने लंबे रहते हैं। पर चलो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको खुद पता होगा कि शॉर्ट स्टोरी पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है, ठीक है? शॉर्ट स्टोरी है ना, मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा, 4 घंटे तो नहीं लगेंगे, है ना? 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, नोवेला बन जाता है 4 घंटे का तो, ठीक है? मतलब ये मैं कोई कंक्रीट उससे नहीं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है कि नोवेला 4 घंटे का, प्योरली एक्सपीरियंस के बेसिस पे है कि आप नोवेला पढ़ेंगे अगर तो वो लगता है इतना टाइम। शॉर्ट स्टोरी का मतलब शॉर्ट स्टोरी नहीं रहेगा अगर उसमें 4 घंटे लग रहे हैं। इसीलिए अ नैरेटिव विच कैन बी रेड एट वन सिटिंग फ्रॉम हाफ एन आवर टू 2 आवर्स, ठीक है, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। दूसरा, इस तरी आप देखो ना, इसको ये तो एलिमिनेट ही कर सकते हो, 5 मिनट या लेस में पढ़ने की बात हो रही है, इतने कम में तो क्या ही शॉर्ट स्टोरी है, नहीं हो सकती, ठीक है? ये भी बहुत कम टाइम है, हाफ एन आवर का बहुत कम टाइम है, ठीक है? और आप इतना क्या कहते हैं, एकदम रिजिड सा क्यों दोगे कि हाँ आधे घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए? कुछ रेंज होनी चाहिए ना। आप शॉर्ट स्टोरी सारी ही तो आधे घंटे के अंदर अंदर नहीं होंगी। रेंज वाले 2 ही ऑप्शन हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड, हाफ एन आवर टू 2 आवर्स एंड 1 आवर टू 4 आवर्स, ठीक है? अब इसमें हाफ एन आवर टू 2 आवर्स मेक्स मोर सेंस बिकॉज 4 आवर्स थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है, एंड वो नोवेला के लिए मेरे हिसाब से कम्प्लीटली ऑन वो कॉमन सेंस और अपना एक्सपीरियंस। इसमें कहीं लिखा नहीं पढ़ा हुआ है मैंने कभी कि हाँ नोवेला में इतना टाइम लगता है और शॉर्ट स्टोरी में इतना टाइम लगता है, ठीक है? ईजी क्वेश्चन था, आंसर है इसका 1, ठीक है? ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको स्टैनली फिश तो पता होंगे, स्टैनली फिश फेमस हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में, इनका पूछा भी जा चुके हैं। और अगर आपको सिर्फ स्टैनली फिश के बारे में पता है तो आपको पता रहेगा कि ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, ठीक है? और रीडर रिस्पॉन्स में भी रोल रहा है, लेकिन कल्चरल इम्पीरियलिज्म में इनका इतना रोल नहीं है। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट कहूँगी, इजी भी नहीं है। और एक मिनट, इसमें बताती हूँ मैं आपको, इफ़ आई हैव रिटन, नहीं लिखा है मैंने इसमें, कोई बात नहीं। ये जो जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे बता रही है, ये भी मैंने देखे हुए हैं राइटर पहले प्रीवियस ईयर्स में, ये तो खैर हैं ही, और ये शायद देखे हैं, पक्का याद नहीं है, पर ये मेरे को नाम सुना हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से ही आए हुए हैं, ठीक है? आई एम सॉरी, मेरे पास डिटेल्स नहीं है आगे, पर ये क्वेश्चन ईजी है, मॉडरेट है, ईजी भी नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है? ये एक टफ सवाल है, इवन दो ये वर्क और ये राइटर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पढ़े जाते हैं, लेकिन ये सवाल डिफ़िकल्ट है। आप गैस भी करने की कोशिश करोगे तब भी नहीं पहुँचोगे, या फिर अगर आपको लगता है कि आप ये गैस कर पाए तो कॉमेंट्स में मुझे बताना कि कैसे किया, ठीक है? क्योंकि कई बार यू नो सबका दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, तो हमें कई बार इनसाइट्स मिलती हैं द वे अदर पीपल वर्क, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, है ना? तो लिख देना अगर आपको समझ आता है तो। अवे हार्ट्स इंसर्जेंट, इंसर्जेंट क्या होता है कि आपने कुछ रिबेलियन करा या कुछ ऐसे यू नो मतलब इट्स लाइक लव स्टोरी टाइप लग रही है जिसमें कुछ डिफ़िकल्टी आई होगी या कुछ ऐसा सा। मेयर ऑफ़ द कासल ब्रिज तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका प्लॉट लाइन ही ऐसा नहीं है। मेयर ऑफ़ द कासल ब्रिज आपको पढ़ना होता है, समरी आपको आनी चाहिए, और मेयर ऑफ़ द कासल ब्रिज नहीं है, बट दैट स्टिल लीव्स मी विथ 3 अदर वर्क्स, तो इसमें से ये पता लगाना मुश्किल है। मुझे जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे इन दोनों में से एक लग रहा था, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकती मैं, शायद फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड टिक करती, जूड द ऑब्सिक्योर तो मैं कभी टिक नहीं करती, तो आंसर लेकिन इसका जूड द ऑब्सिक्योर है, तो गैस वर्क हमेशा नहीं चलता, पर वही है कि आपको 100 में से 100 करने भी नहीं है, ठीक है? ओके, ये सवाल अगर आपको नहीं आता है तो अगेन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है? तो उसको अपना ढंग से एनालिसिस करो प्रीवियस ईयर्स का। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान, सबको पता है ले हंट्स का इंडिकेटर है, बहुत फेमस है, आता होता है, ये भी आता होता है, ठीक है? और अच्छा, लोग आपको ये नहीं भी आता है, आपको ये तो पता होगा कि मेटामॉर्फोसिस जो वो पीरियोडिकल नहीं है, सो मेटामॉर्फोसिस इज़ अ नोवेला, तो पीरियोडिकल तो ये नहीं ही हुआ, तो डी पक्का गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। ई है ही है, ई इस ऑप्शन में ही है सिर्फ, बी भी है, ए भी है,
सी भी है, मतलब आप कुछ भी करते हैं आपको आ जाना चाहिए था, ये सारे ही आने चाहिए वैसे तो जितना भी इसमें लिखा है। ये बहुत ही आसान सवाल है, वेरी वेरी इजी। ये है जिस वजह से आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है, क्यों चाहिए होती है। एब्सर्ड थिएटर आपको, अगर आपने सिर्फ वेटिंग फॉर गो टू भी पढ़ा है ना, जो कि प्रिस्क्राइब रहता है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, अगर आपको सिर्फ वेटिंग फॉर गोडो का आइडिया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उस पूरे प्ले को जब मैंने पढ़ा तो उसमें डायलॉग्स का बहुत प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आता कि डायलॉग का क्या मतलब है, ठीक है, लॉजिक ही नहीं लगता उसमें। और उसका ये एक्सप्लेनेशन है एब्सर्ड थिएटर में कि वो जो ह्यूमन कंडीशन है ना, वही इलॉजिकल है। आप क्यों जी रहे हो, वो सारे क्वेश्चन यू नो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लग रहा है इलस्ट्रेट द इलॉजिकल एंड पर्पजलेसनेस ऑफ ह्यूमन कंडीशन, तो 100% सही लग रहा है, ठीक है। ब्रिंगिंग अबाउट कॉमिक एक्शन इन रिलीफ, बिल्कुल भी नहीं, कॉमेडी तो होती नहीं है एब्सर्ड थिएटर में, होती ही नहीं है। और अगर मतलब वो है भी, अगर उसमें जैसे मुझे अभी वो याद आ गया जो लकी की स्पीच है, लकी की जो स्पीच है वेटिंग फॉर गोडो में, दैट इज़ स्लाइटली कॉमिक, लेकिन उसमें भी वो इन, अगर उसको डीपली देखोगे तो वो ह्यूमन कंडीशन की दुख को ही बता रही है। इट्स अगर आप उसको, अगर आपने वेटिंग फॉर गोडो ढंग से पढ़ा होगा तो रिलीफ तो बिल्कुल नहीं है, कॉमिक एक्शन से रिलीफ नहीं आ रहा, आपको पेन आ रही है, पता चल रहा है कि कितना जो इंसान की एग्जिस्टेंस है वो किस तरह से है, ठीक है। तो ये है, तो ये तो गलत है। सबकॉन्शियस की वर्किंग तो एब्सर्ड ड्रामा में कोई है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो एक का पहले देखते हैं, डी होना चाहिए ऑप्शन में, दो में ही है, और उसमें सी नहीं होना चाहिए, चलो ये तो गलत हो गई, और उसमें बी भी नहीं होना चाहिए। यू स्टिल लेफ्ट विद ए एंड ई में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। ए इज़ सजेस्ट द मीनिंगलेस, सजेस्ट दैट मीनिंगलेसनेस इज़ ऑल्सो अबाउट मीनिंग, एंड ई इज़ डिफाई द सेल्फ प्रोफेस्ड मॉडर्न नोशन ऑफ डिग्निटी एंड विजडम। यार ये तो क्या है, नहीं, मॉडर्न नोशन ऑफ डिग्निटी एंड विजडम नहीं। मीनिंगलेसनेस इज ऑल्सो अबाउट मीनिंग, हाँ, क्योंकि आप जब डायलॉग्स देखोगे उस प्ले के, तो आपको लगेगा कि ऑन द सर्फेस ऑफ इट कुछ मीनिंग नहीं समझ आ रहा, पर अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि मीनिंगलेसनेस में भी मीनिंग है, जो उसमें पॉजेज है ना उसका भी मीनिंग है। पर अब देखो, ये जो मैं आपको बता पा रही हूँ, मैं क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि वेटिंग फॉर गोडो को मैंने टाइम दिया है, मुझे सिर्फ एक्चुअली मैंने दो पढ़े हैं, पर एक जो मैंने कॉलेज में पढ़ा है वो है वेटिंग फॉर गोडो एब्सर्ड ड्रामा में, एक मैंने द बर्थडे पार्टी पढ़ा हुआ है। तो मैं सिर्फ वेटिंग फॉर गोडो के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको कि हर एक एज का ना एक एक नॉवल अगर आपने पढ़ा रखा होगा कॉलेज टाइम में, तो आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप उससे बहुत डीप इंसाइट्स डिराइव कर सकते हो और पेपर में उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया, तो उसका राइट आंसर क्या हुआ, 495 का राइट आंसर, फोर्थ, ए एंड डी, दिस एंड दिस, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ट्रांसेंडेंटलिज्म के ऊपर शॉर्ट ट्रीटीज किसको बोला जाता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका इमर्सन्स नेचर, अमेरिकन लिटरेचर ऊपर ऊपर से भी करा होगा तो ये आंसर आता होगा, आना चाहिए था ये। एन ईजी क्वेश्चन अगेन, वेरी इजी एक्चुअली, आपको इक्वेफ ही पता होने चाहिए, थिंग्स फॉल अपार्ट के हैं, आपको एस्टेला पता होनी चाहिए, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की हैं, मतलब चार्ल्स डिकिंस के कैरेक्टर्स यार हर साल पूछ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली, ऑलमोस्ट मतलब आते ही रहते हैं, अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड है। इक्विफी थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थिंग्स फॉल अपार्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखो, सी का 4, ए की ऑप्शन है, ऑप्शंस भी इतने आसान है, ठीक है, डी का 3, ठीक है, आपको यही दो आते थे तब भी हो जाना था आपका, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वदरिंग हाइट्स के कैरेक्टर्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वदरिंग हाइट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और अगली बार के लिए याद रखना कि ये कैरेक्टर था जिला इन वदरिंग हाइट्स, और क्रिस्टोफीन है वाइट सर गैसोसी, ठीक है।
ये तो चलो नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, क्रिस्टोफिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके सो अब सवाल है कि प्रोज रोमांसेस जो हैं दे प्रसीडेड द इमर्जेंस ऑफ नॉवल एज अ पॉपुलर लिटरेरी जॉनर, विच टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोज रोमांस। अब ये एक आसान सवाल है, क्यों? क्योंकि पैमेला पे क्वेश्चन अभी आया है रिसेंटली 2022 में दिसंबर अटेम्प्ट में, ठीक है 2022 में, हाँ दिसंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय हेनरी फील्डिंग बिगिंस एज अ पैरोडी ऑफ सैमुअल रिचर्डसन्स पैमेला, मेंशन था आपको आना चाहिए था। सैमुअल रिचर्डसन पहले भी पूछे जा चुके हैं तो आपको उनके बेसिक वर्क्स आने चाहिए, तो क्लैरिसा भी आपको पता रहेगा और आपको पता होगा कि सैमुअल रिचर्डसन प्रोज रोमांसेस लिखते थे, ठीक है। तो ये सही आंसर और बहुत आसान सवाल है, आना चाहिए था, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट बोलूँगी मैं, मतलब इन द सेंस कि मुझे नहीं आना था ये सवाल, इवन दो ये एक्सपेक्टेड लाइन्स पे ही है। जोसेफ कॉनराड, गस्तव फ्लॉबर्ट, नादिन गॉडेमर सभी पे सवाल आ चुके हैं, पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से टफ था, तो इसमें तो गेस वर्क करना पड़ना था। आपको शायद हॉर्स एंड टू गोट्स बाय आर के नारायण आता हो सकता था, ठीक है, अगर सिर्फ ये भी आता होगा तब भी हो जाएगा ये सवाल, पर इट्स स्टिल अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका आंसर 513 का। अब आ जाओ आप फिर से दलित राइटिंग पे, क्वेश्चन है न्यू हिस्टोरिसिस्ट रीडिंग ऑफ दलित राइटिंग, ठीक है चलो न्यू हिस्टोरिसिस्ट वाला पे तो बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी लाइंस ठीक लग रही हैं, ठीक नहीं लग रही। देर इज़ नो सिंगल लोकेशन ऑफ दलित राइटिंग, सही है, एक सिंगल लोकेशन कैसे हो सकती है ना। सी तो सही लग रहा है, सी तीन ऑप्शन में है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर आ जाओ इस वाले स्टेटमेंट पे, दलित राइटिंग राइटिंग इज ओनली अ पॉलिटिकल कैटेगरी, ओनली अ पॉलिटिकल कैटेगरी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई यार, ऐसा कैसे हो सकता है ओनली अ पॉलिटिकल कैटेगरी, क्यों? सोशल कैटेगरी भी तो हो सकती है, कोई और कैटेगरी भी तो हो सकती है ना, ऐसा ही आएगा मेरे दिमाग में कि ऐसे तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये होने के चांसेस नहीं है। दलित राइटिंग इज़ नॉट ग्राउंडेड इन हिस्ट्री, अरे यार कोई भी राइटिंग हो हिस्ट्री में तो ग्राउंडेड होती है, आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैटर करता है ना, आप किस एज में हैं वो तो होता ही है, ये भी गलत है। डी एंड ई गलत है, डी इसमें है तो ये गलत है, ई इसमें तो ये गलत है, एक ऑप्शन बचता है ए एंड ए बी एंड सी, प्योर गेस वर्क है तो उसके बेसिस पे भी आंसर निकल जाएगा ए बी सी, ठीक है। ओके ये वाला क्वेश्चन देखो, टोनी मॉरिसन एंड एड्रीन रिच हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल, बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट है, सही होगी बाकी देखेंगे क्या पता गलत हो, गेस वर्क कर रहे हैं तो लेट्स सी। फेमिनिज्म एड्रीन रिच ऑब्जर्व्स इज द फील्ड वेयर सब्जेक्टिविटी एंड पॉलिटिक्स हैव टू कम टुगेदर इन द मोस्ट नेचुरल वे, ठीक है। अब ये करेक्ट लग रहा है लेकिन इसमें बस ये है कि क्या पता ये एड्रीन रिच ने ना बोला हो, किसी और ने बोला हो, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एड्रीन रिच ने ये बोला कि नहीं। वैसे एड्रीन रिच डिटेल में पढ़ना होता है क्योंकि एड्रीन रिच पे काफ़ी सवाल आने लग गए हैं, है ना, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो इतना तो है कि एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो या तो इसका ऑप्शन ये होगा या ये होगा, 50-50 चांस है दोनों में से, आप जो भी करोगे यू हैव 50-50 चांस ऑफ गेटिंग द राइट आंसर। सो इस सवाल का जो जवाब है बताती हूँ मैं आपको देख के, 532 का है आंसर, टू ये है आंसर, ठीक है, टू दे आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये करना मुश्किल था पेपर में, मतलब पेपर में फिर थोड़ा सा, फिर गेस तो आपको लेना ही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसे इस सवाल में मैं आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हिसाब से तो जवाब शायद एन इमॉर्टल वुमन होता, पर क्योंकि मॉर्टल वुमन है तो मुझे ये डिटेल में देखना पड़ेगा कि ओड टू साई की, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो अभी के लिए आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ इस क्वेश्चन का, मेरे हिसाब से दिस इज़ अ मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन क्योंकि ओड टू साई की पढ़नी होती है, जॉन कीट्स के सारे ओड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डिटेल में आने चाहिए क्योंकि उनका लिटरली फ्रेजेस पूछे गए हैं पहले पिछले पेपर्स में। ये देखो अब सन्स एंड लवर्स, यार ये अगर आपने
यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस देखोगे ना का, तो आपको ये मिल जाएगा वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क है, पहले भी सवाल आए हुए हैं तो आना चाहिए। सन्स एंड लवर्स सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, हाँ जी। साइकोलॉजिकल स्टडी, चलो इसमें को बाद में आते हैं। फिल्म अडेप्टेशन का मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। थ्री जनरेशन ऑफ ब्रैंगवन फैमिली, यार ये तो द रेनबो में थे, डी एच लॉरेंस का ही वर्क है द रेनबो, और मुझे याद है कि उसमें ब्रैंगवन फैमिली है, ठीक है। और वैसे भी मुझे पता है कि सन्स एंड लवर्स में मॉरल्स हैं, ये मॉरल्स, ठीक है, तो ये वाला तो गलत है, डी तो 100% गलत है, नॉट ट्रू पूछा है ना, तो दो ऑप्शंस में डी है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब बी गलत है या ई गलत है? बी, साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ फैमिलियल एंड लव रिलेशनशिप्स ऑफ अ वर्किंग क्लास इंग्लिश फैमिली। ईडिपस कॉम्प्लेक्स एक इसमें डोमिनेंट थीम है ना, तो ईडिपस कॉम्प्लेक्स साइको एनालिसिस में आ जाता है, तो ये तो सही लग रहा है। तो बचा क्या, ई, नॉवल नरेट्स द स्टोरी ऑफ पॉल मॉरल हुज लव फॉर हिज बिलवड ओवर शेडोज द अफेक्शनेट बॉन्ड विद हिज मदर। नहीं, तभी तो ईडिपस कॉम्प्लेक्स का थीम है, क्योंकि हिज लव फॉर हिज मदर इज द वन दैट डोमिनेट्स एंड ओवर शेडोज हिज लव फॉर हिज बिलवड, यही होता है ना, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, डी एंड ई आर रॉन्ग, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। मैं चेक कर लेती हूँ 486 का थ्री, ठीक है, ओके। बींग अ वाइट मैन इन शॉर्ट वॉज अ वेरी कॉन्क्रीट मैनर ऑफ बींग इन द वर्ल्ड, ओके, अ वे ऑफ टेकिंग होल्ड ऑफ रियालिटी लैंग्वेज एंड थाट, टेकिंग होल्ड ऑफ समथिंग, तभी कहती हूँ लैंग्वेज और वोकेबलरी, टेकिंग होल्ड ऑफ समथिंग मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर आपके पास होल्ड है, आपका उस पर कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोल ओवर रियालिटी लैंग्वेज एंड थाट, ओके, बींग अ वाइट मैन, तो अ फॉर्म ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी, यही होता था ना कॉलोनियलिज्म में, दे हैड द कंट्रोल ऑफ रियालिटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज इंग्लिश है ना हमारे लिए, थाट था कि नहीं था, फॉर्म ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी बोल सकते हैं, तो यही इसका आंसर भी है, सिंपल क्वेश्चन था, ये आना चाहिए था, ठीक है। अब आ जाओ फिर से वेटिंग फॉर गोडो पे क्वेश्चंस, और वेटिंग फॉर गोडो में क्वेश्चंस आते रहे हैं, जब जो अटेम्प्ट मैंने भी दिया था उसमें भी क्वेश्चन था वेटिंग फॉर गोडो में, तो वेटिंग फॉर गोडो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और ये यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी प्रिस्क्राइब्ड रहता है, तो देखते हैं इसमें स्टेटमेंट्स। इसमें सबसे पहले तो ये देखो आप, इनकोहरेंट डायलॉग सजेस्ट डिस्पेयर ऑफ सोसाइटी, मैंने पहले भी बोला इनकोहरेंट डायलॉग, कोहरेंट, इनकोहरेंट क्या हुआ, कोहरेंट क्या होता है, कोहरेंट होता है लॉजिकल हो कोई चीज़, है ना, इनकोहरेंट मतलब इलॉजिकल है, इलॉजिकल डायलॉग है, एंड दैट सजेस्ट्स डिस्पेयर ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल, जो डिसल्यूजनमेंट हो गई थी वर्ल्ड वॉर्स के बाद, है ना, तो ये तो पक्का सही है, एक ही ऑप्शन में है, साथ में क्या बचा, डी, इट इज़ अ स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन विदाउट स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, कह सकते हो, क्योंकि सर्कुलर प्लॉट है, जहाँ शुरू होता है प्ले वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, डी एंड ई। बाकी अगर आप ये देख लो, इलस्ट्रेट्स वैनिटी, वैनिटी की तो कोई बात नहीं है, मतलब आप इस पे जाओ, वैनिटी वगैरह पे तो आप तब जाओगे ना जब डायलॉग वो होगा, लॉजिकल होगा, आपको समझना ही बहुत मुश्किल है कि क्या मतलब है, ठीक है, तो उसमें सेल्फ डिसेप्शन और ये सब तो आया ही नहीं, कम्युनिज्म नहीं, ठीक है, व्यूज़ तो तब एक्सप्रेस होंगे ना जब डायलॉग कोहरेंट हो, पूरे प्ले में डायलॉग ही वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो इट डज़ नॉट रियली, और अगर वो कुछ रिप्रेजेंट भी करता है तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, आप इसको, इस प्ले को ज़रूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान था और ये आपको आना चाहिए था, और एक नहीं सारे ऑप्शन आने चाहिए थे, इतना आसान सवाल है, ठीक है। कैसल ऑफ टोरंटो गॉथिक स्टोरी, टेस ऑफ द ओबरविल्स अ प्योर वुमन फ्रैंकस्टीन द मॉडर्न प्रोमीथियस वैनिटी फेयर अ नॉवल विदाउट हीरो, देख लो कौन से ऑप्शन में है ये, ए का फोर, ए की, अरे तो ऑप्शन भी इतने आसान है, ए का फोर, बी का वन, सी का टू और डी का थ्री, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके, जूलिया क्रिस्टिवा का कोरा का कॉन्सेप्ट आपको क्यों आना चाहिए, ये आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि, एक मिनट,
तो जूलिया क्रिस्टिवा का कोरा का कॉन्सेप्ट आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा चुका है 2013 में, कोरा वर्ड का भी मेंशन था क्वेश्चन में, और 2023 में अभी पिछले वाले अटेम्प्ट में लिटरली क्वेश्चन था विच ऑफ़ द फॉलोइंग बुक्स इज़ बिन रिटन बाय जूलिया क्रिस्टिवा, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको जूलिया क्रिस्टिवा आनी चाहिए थी, उनके कोरा का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए था, और ये आसान सवाल है। कोरा हैज़ नो फिक्स्ड आइडेंटिटी, इट प्रिसीड्स द लिंग्विस्टिक साइन। डी और ई सो बिल्कुल सही हैं ही, तो आप सी भी सही हो जाएगा और ये आपका आंसर भी हो जाना चाहिए। देख लेती हूँ मैं एक बार, 503 का 2, राइट, ठीक है, ये आंसर भी है। सिंपल सिंपल सवाल है, ये एक टफ सवाल है और अनकन्वेंशनल सवाल है मेरी मेमोरी में, और जहाँ तक मैंने ढूंढा मुझे नहीं मिला ये प्रीवियस ईयर्स में। न्यू क्वेश्चन है, अगली बार के लिए आप इन सब के राइटर्स किस किस ने क्या क्या लिखा है वो करके जाएंगे, और इस सवाल का जो जवाब है 480 का है, फोर्थ, अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड अ मेमोयर, दिस इज़ नॉट रिटन बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं। अब ये होता है जो पेपर में दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, ये उन सवालों में से है। द टर्म कल्चर इंडस्ट्री वॉज यूज बाय फ्रैंकफर्ट स्कूल टू डिस्क्राइब द ऑपरेशंस ऑफ मास मीडिया। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मान लो नहीं याद है मुझे ये। द डोमिनेंट कैपिटलिस्ट, वैसे भी ना मेरा कल्चर वाला पोर्शन थोड़ा वीक है, और मुझे इसमें ऐसा भी लगता है कि कल्चरल स्टडीज़ जो है वो आप लॉजिक के बेसिस में पेपर में कर सकते हो अभी तक, तो हो सकता है कल को डेप्थ में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें और तब आपको लगे कि, मतलब मैं तो नहीं करती थी कल्चर तैयार क्योंकि मुझे लगता था कि लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है, और अगर कल को ऐसे सवाल आने लग जाएं कि हाँ आप नहीं कर सकते सॉल्व, और अगर आपके पास टाइम है तो आप तब तो फिर करना पड़ेगा ना, फिर वो तो फिर डायनामिक होता है पेपर के, जैसे जैसे चेंज होता है आपको अपनी तैयारी उसी तरह से मोल्ड करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, तो ये तो चलो मुझे नहीं आता। द डोमिनेंट कैपिटलिस्ट क्लास इंस्टिल्स इट्स वैल्यूज एंड बिलीव्स इन द माइंड्स ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल। ये हो सकता है पर अभी कंसिडरेशन में रखते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लग रहा है पर ये। इंडस्ट्री सिग्निफाइज द प्रोडक्शन ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर मास कंजम्पशन। मतलब क्वेश्चन में ही आंसर लग रहा है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्राइक कर रही है स्टेटमेंट कि इंडस्ट्री में भी सच में मास कंजप्शन के लिए चीज़ें बनाते हो, तो कल्चर इंडस्ट्री में भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो कल्चरल प्रोडक्ट्स की मास कंजप्शन के लिए, ये काफ़ी फिट बैठ रही है स्टेटमेंट। तो मैं देखती हूँ ज़रा ऑप्शंस में, सी एक में ही है, अच्छा, और बी भी मुझे ठीक ठाक ही लगा था कि हाँ ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है, पर चलो बाकी देख लेते हैं। ऑथेंटिक कल्चर अराइजिंग फ्रॉम द वर्किंग क्लासेस प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टिव, तो ये तो उल्टा हो गया ना, जो स्टेटमेंट में बोला उसका उल्टा है ये, ठीक है। और द मास कल्चर दस प्रोड्यूस इंड्यूसेस एक्टिविज्म एंड क्रिटिकल थिंकिंग अमंग द यूथ। अब देखो इसमें या तो डी एंड ई सही होंगे क्योंकि ये सिमिलर लाइंस पे चीज़ें लिखी हुई हैं, या बी और सी सही होंगे, तो 3 या 4 में से होगा, लेकिन क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट ऐसे स्ट्राइक कर रही है, इसका लॉजिक समझ आ रहा है कि हाँ कल्चरल प्रोडक्ट्स जो मास कंजम्पशन के लिए बन रहे हैं, जैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स मास कंजम्पशन के लिए बनते हैं, तो उसमें तो ऐसा लग रहा है कि बी और सी आंसर होना चाहिए कि हाँ डोमिनेंट कैपिटल क्लास जो होती है दैट इंस्टिल्स इट्स वैल्यूज एंड बिलीव्स इन द माइंड्स ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल। तो आई विल आंसर इट एज बी एंड सी, और इसका ऑप्शन का आंसर क्या है, डी, अच्छा, नॉट ट्रू पूछा था, ये मैं बहुत गड़बड़ करती हूँ, नॉट ट्रू, हाँ, तो ये मैंने सही करे ना कि हाँ ये सही है, दिस एंड दिस, तो ये दोनों गलत हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, लेकिन पूछे ही गलत स्टेटमेंट्स हैं तो वो डी एंड ई होंगे, ठीक है। ओके, अब ये टफ क्वेश्चन था, और ये मैं पेपर में अगर करती तो मैं इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करती, क्योंकि अगर शॉ या मिलर ने बोला होता तो मुझे कुछ आइडिया तो होता, अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो इसको आप कि हाँ आपने सुना ही होगा, पर फिर कुछ ना कुछ तो आप अप्लाई करोगे ना पेपर में आंसर डिराइव करने के लिए। तो मैं इस उस पर चलती हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वो मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो अगर उसमें से रिलेटेड होता है या मुझे थोड़ा सा भी ऐसी फीलिंग आ रही होती कि हाँ ये लिख सकते हैं तो मैं जाती इनके साथ, पर मुझे लगता नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक में टिक करूँगी। ऑप्शन है 475 का 1, ये वाला, ठीक है। ठीक है,
अब आ जाओ अगले सवाल पे। अब जो ये ना गाइल्स डेल्यूज, ये सवाल आया हुआ है अभी रिसेंट मार्च 2023 के पेपर में था, ठीक है। ऑप्शंस में मेंशन था इनका नाम, अभी फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ गया है, तभी कहती हूँ ऑप्शंस भी पूरे ध्यान से देखने होते हैं। अब देखो मुझे ना पेपर में अगर मैं होंगी तो मैं ये तो सोचूंगी कि यार हिट्रोग्लॉसिया जो है वो तो भक्तिन का है ना, चेक करी थी कहीं गलत तो नहीं याद है मुझे, तो हिटरोग्लॉसिया जो है वो है भक्तिन का, और जो मेटा नैरेटिव है आपका लियोटार्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं सोचूंगी कि यार ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो दूसरे राइटर्स के हैं, तो इसमें से और इसमें से कुछ एक होगा, इनमें से कोई एक टिक करूँगी मैं, तो 50-50% चांस है इसमें भी फिर से उसका सही होने का। आंसर जो है इसका वो है 471 का टू, डी टेरिटोरियलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, दैट्स द आंसर। जो ये वाला सवाल है ये थोड़ा सा, ये देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, V.S. नायपॉल, भारती मुखर्जी, ये सब कभी ना कभी आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, ये पहले भी आया हुआ है ना। अब इस वाले सवाल में मुझे ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, पर मुझे ये दोनों पता हैं, और मुझे पता है कि इन्होंने पार्टीशन नैरेटिव्स नहीं लिखे हैं, तो बी और डी भी निकाल दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, ए सी ई। तो 489 का क्या आंसर हुआ, ए सी ई, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। ये टफ क्वेश्चन है, मैं शायद इसमें पता नहीं कुछ भी ब्लाइंड गेस करना था, इसमें कोई पता नहीं लग सकता कि ये कौन सा सब इसमें क्या आएगा मेरे हिसाब से, तो इसमें कुछ भी जो भी आपको गेस करना है वो आप गेस कर सकते हैं। आंसर इसका एस्पेक्ट्स ऑफ पोइट्री है, फोर्थ वाला, ठीक है, ये आना चाहिए, ये आंसर है, ठीक है, अर्लीस्ट अवेलेबल इंडियन ड्रामेटिस्ट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पहले भी पूछ चुके हैं, ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। और इसका जो आंसर है सिंपल है, ये इसका आंसर बता देती हूँ आपको डायरेक्टली, थर्ड ए एंड बी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रियलिटी डब्ड एज ऑथेंटिक, ठीक है। ये आप एलिमिनेट कर सकते थे, इसमें साइकोलॉजिकल इंटरप्ले का कोई बात नहीं है, तो आपका ये तो नहीं होंगे, ए बी बी सी में से कुछ होगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, क्योंकि जो आपका साइम्यूलैक्रा है वही आपकी रियलिटी बन जाती है, आपको यही याद नहीं रहता कि जो चीज़ थी जिसकी साइम्यूलेशन में वो साइम्यूलैक्रा बना, जिस चीज़ को कॉपी करके वो साइम्यूलैक्रा बना, आपको वो कॉपी याद है लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है वो ख़त्म हो गई, दैट इज़ वाई एब्सेंस ऑफ द विविड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ठीक है। टफ क्वेश्चन है, अगली बार के लिए तैयार कर लेना, ये वो आंसर बताती हूँ इसका, थर्ड है, अगली बार के लिए याद कर लेना और इनको डिटेल्स भी देख लेना वर्क्स की, ठीक है। इस पेपर में दूसरी बार आ गया ये टर्म, पहले भी बता के हटी हूँ मैं कि क्या था, और यहाँ से ये हो गया मैजिक रियलिज्म, ये इंक्लूजन ऑफ फैंटास्टिक और मिथिकल एलिमेंट्स इनटू सीमिंगली रियलिस्टिक फिक्शन, ये आना चाहिए। सिर्फ इसके बेसिस पे बी का क्या है, फोर्थ, सिर्फ इसी ऑप्शन से हो जाएगा, तो ए का क्या आया, थ्री, एम्बिवेलेंस कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अब ये चीज़ है ना, एम्बिवेलेंस क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़, कॉन्ट्रोडिक्ट्री आइडियाज़ हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है। सी का वन, ये मुझे नहीं आता था,
पर अब अगली बार के लिए पढ़ के जाऊंगी अगर मैं जाऊंगी तो क्या होता है एब्रोगेशन. ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है. फिर भी चेक कर लेते हैं 519 का 4th. ठीक है, वेरी 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 सिंपल, सारे ऑप्शंस आने चाहिए थे मेरे हिसाब से. और डिजिट ऑफ द अर्थ सिर्फ एक से हो रहा है आपका क्वेश्चन सॉल्व. ए का 4 है, बी का 2 है, फेमस वर्क है नेशन जनरेशन, सी का 3 है, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, इमेजिन कम्युनिटी, बेनेडिक्ट एंडरसन, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आने चाहिए थे. फिर भी क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल.